हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूँ अमित पालित और इस वक्त की बड़ी खबर। कांग्रेस का G23 ग्रुप जम्मू में अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाए जा रहे हैं और इस वक्त गुलाम नबी आजाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आपको सीधे वहां ले चलते हैं कि जितने भी लोग बॉर्डर पे रहते हैं उनकी जितनी भी मदद करो, उनको बांटो नहीं, उनको जोड़ो, उनको इकट्ठे करो, उनकी दिल की धड़कनें समझो, क्योंकि वो दुश्मन का मुकाबला करते हैं। लेकिन आज मुझे अफसोस, पिछले 1.5 साल हम सबको बिखेर दिया। स्टेट के हिस्से हो गए, कोई टुकड़ा इधर गिरा, कोई इधर गिरा। आज हम बांटे हुए हैं अलग फिरकों में, तबकों में। बेकारी अपने उरूज पे है, बेरोजगारी अपने उरूज पे है, लाखों नौजवान पीएचडी करके, लॉ करके, एमएससी करके बेकार और बेरोजगार है। लाखों लोगों के बच्चों ने छोटी जमीन, मैं सुबह अपने साथियों को बता रहा था कि हरियाणा पंजाब की तरह जमीन नहीं है, यहां यूपी और आंध्र और महाराष्ट्र की तरह जमीन नहीं है, यह हमारे स्टेट सिर्फ पहाड़ और जंगल है, और जो 15-20% जमीन है उसमें हमारे गांव, शहर और सड़कें, स्कूल और बिल्डिंगें हैं। हमारे पास खेती नहीं है। गांधीनगर के आसपास आरसपुर हमें खेती है, बाकी कुछ नहीं। हमारे उद्योग नहीं, जो थे उद्योग छोटे बड़े इस जम्मू कठुआ और सामा के अंदर, और कुछ लोग हमारे नौजवान पलते थे उस वक्त, चाहे वो किसी धर्म के हो, किसी जाति के हो, लेकिन वो उद्योग भी बंद हो गए, कई परमानेंटली बंद हो गए। और आज कई सैकड़ों बरसों के बाद हम स्टेट का हिस्सा नहीं, हमारी पहचान खत्म हो गई। कितने फखर से हम दुनिया में जाते हैं। मेरे साथियों को मालूम है, मैंने पार्लियामेंट के अंदर बोला कि दुनिया में जितने भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हैं उनसे अगर पूछोगे, अफ्रीका के प्राइम मिनिस्टर पूछोगे, बर्तानिया, अमेरिका, बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर से, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर से, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर से, चीन के प्राइम मिनिस्टर से, अमेरिका के अभी नए नए प्रेसिडेंट आए हैं, लेकिन सबसे पहले उन्होंने कश्मीर की बात की, उन्होंने मध्य प्रदेश की बात नहीं की, उन्होंने बंबई की बात नहीं की, उन्होंने दिल्ली की भी बात नहीं की। तो कोई भी दुनिया का आदमी नहीं है या लीडर नहीं है जो कश्मीर को कश्मीर के नाम से नहीं जानता, या जम्मू कश्मीर को कश्मीर की स्टेट से नहीं जानता। आज हमारी वो पहचान चलेगी। आज हमें एक डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया, तो इसलिए हमारी लड़ाई वो भी जारी रहेगी पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर, कि हमें स्टेट हुड अपनी वापस चाहिए। और जब तक हमारे एमएलए नहीं होंगे, चुने हुए नुमाइंदे नहीं होंगे, वो किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, उनके ऊपर जिम्मेदारी होगी। जब तक यहां चुने हुए नुमाइंदे मिनिस्टर नहीं होंगे, चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे, ये बेकारी, बेरोजगारी, ये सड़कों की हालत, ये पानी की हालत, बिजली की हालत, ये स्कूलों की हालत, ये डिस्पेंसरीज की हालत, अस्पतालों की हालत, और ये जहालत बराबर तारी रहेगी, जारी रहेगी, जब तक स्टेट के नुमाइंदे चुनकर नहीं आते तीनों क्षेत्रों से, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से, लेह का डिस्ट्रिक्ट यूटी चाहता था, लेकिन कारगिल का डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल यूटी नहीं चाहता, यूटी के खिलाफ। और जम्मू के लोग, चाहे वो कांग्रेस का हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो, पीडीपी का हो, बीजेपी का हो,
आरएसएस का क्यों ना हो, वो भी स्टेटहुड जाता। अगर किसी एक में जरूरत है लीडर को किसी पार्टी की, वो कल स्टेटमेंट दे दे कि मुझे स्टेटहुड नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहता। तो ये ऐसा कोई कभी नहीं हुआ कि सब पार्टियां स्टेटहुड चाहती, सब पार्टियां बीजेपी आरएसएस से लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी से लेकर पंथर पार्टी तक सब चाहती हैं स्टेटहुड हो। और जम्मू में बस कर और कश्मीर में और लद्दाख में तीन और दो और चीजें चाहिए कि यहां जमीन कम है इसलिए सिर्फ यहां के ही लोग खरीद सकते हैं। और ये कोई नई बात नहीं, नॉर्थ ईस्ट में है, हिमाचल में है, उत्तराखंड में है, वहां तो आर्टिकल 370 नहीं है। तो वो जमीन, सबसे ज्यादा जमीन अगर चली जाएगी शुरू होगी तो जम्मू की जाएगी, कश्मीर और लद्दाख की नहीं, और लद्दाख ले की जाएगी, करगिल की नहीं जाएगी, क्योंकि वहां पर्यटन। और दूसरा, नौकरी यहां के बच्चों को ही यहां के लगनी चाहिए, बाहर वाला नहीं सकता। हम बाहर वालों के लिए खिलाफ नहीं, मैं तो बाहर में ही ज्यादा काम कर रहा हूं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि यहां कोई इंडस्ट्री नहीं है। ये हिंदुस्तान, ये अगर दिल्ली से जाओगे तो आधा बिजनेस इसीलिए चलता है कि पंजाब के लोग, हरियाणा के लोग दिल्ली में बीच में से निकलते हैं, लेकिन हमारे यहां कोई नहीं आता। जिसको जम्मू कश्मीर आना है वही आएगा, बीच में से कोई जाने वाला नहीं। और तीन दफा अभी तक हाईकोर्ट में शायद क्लर्क्स के लिए जगह निकली और वो ऑल इंडिया निकली। एक और डिग्री कॉलेज के लिए, निचले लेवल के लिए एडवर्टीजमेंट निकली, ऑल इंडिया निकली। तो जाहिर है यहां पढ़ाई नहीं, 30 साल से 31 साल से मिलिटेंसी। जो 31 साल से हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ रहा, मैं बधाई देना चाहता हूं कश्मीर को, लोगों को भी, चिनाब वैली रजौरी पुंछ के लोगों को भी, कठुआ सांबा उधमपुर और जम्मू के विशेष रूप से, क्योंकि हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर जम्मू सांबा और कठुआ, यहां मिलिटेंट गा के घुस जाते हैं। ये सब मिलिटेंसी का मुकाबला कर रहे हैं, देश की तरफ से, हिंदुस्तान की तरफ से जान देते हैं, लेकिन उसका सिला यही मिला कि स्टेट के टुकड़े हो जाए, बेकारी बढ़ जाए, बेरोजगारी बढ़ जाए, यहां के उद्योग बंद हो जाए, यहां के टैक्स लगे, 30 साल से खाने के लिए पैसे नहीं है। तो एक टोल था हमारे, आज वहां पठानकोट से लेकर तिवारी जी यहां उधमपुर तक एक टोल था, वो भी खत्म किया था, आज 5 टोल लगाए। कहां से वो टोल के पैसे लगाए? पानी का टैक्स, हाउस टैक्स यहां नहीं था जम्मू और कश्मीर में, लेकिन वो टैक्स भी लगा दिया। अब कपड़े रह गए हैं लोगों के पास, उसको भी खरीदने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि हमारे अलग कपड़े हैं, उसको देके टैक्स भरना पड़ेगा। गाड़ियों के हर दिन डेवलपमेंट की कोई बात नहीं होती है, नौकरी किसी को मैंने नहीं देखा लगते हुए, सड़क की बात नहीं हुई कि सड़क बन रही है, अस्पताल का इंप्रूवमेंट है उसकी बात नहीं हो रही है, स्कूल में तालीम हासिल हो, कॉलेज में तालीम हासिल हो उसकी बात नहीं हो रही, कौन सा नया टैक्स लगाना है इसकी बात रोज होती है, कहां से लाएंगे ये टैक्स? ये लड़ाई हमने लड़नी है, इस जम्मू कश्मीर में हमारे साथी पार्लियामेंट में लड़ेंगे, और हमने देश के अंदर भी लड़ाई लड़नी है कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, क्योंकि कांग्रेस ही एक रास्ता, एक पार्टी है जिसमें सब धर्म के लोग, सब जातियों के लोग और सब प्रांतों के लोग समा सकते हैं। हमारा दिल इतना बड़ा वसी है, जहां हम जात पात के नाम पर, धर्म के नाम पर इंसाफ नहीं बांटते हैं,
बल्कि जिसको जरूरत है इंसाफ मिलने की उसको इंसाफ देते हैं। वो लड़ाई हमारी पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर, और एक मजबूत कांग्रेस पार्टी ही वो कर सकती है। मैं पार्लियामेंट के राज्यसभा से रिटायर हुआ हूं, राजनीति से रिटायर नहीं हुआ हूं जैसे मेरे साथी हैं। और पार्लियामेंट से मैं पहली दफा नहीं रिटायर हुआ। जब लोकसभा से आना था राज्यसभा तो भी 3-4 महीने का गैप था। जब यहां से पहले बना, जब सीएम बना था तब भी बीच में गैप था, बीच में एक और दफा गैप था। तो हम इधर से डूबते हैं, इधर निकलते हैं, इधर से निकलते हैं, इधर डूबते हैं। तो अभी हमारी जारी नहीं रही। वो मरने तक जब तक दम है। मेरे गलत कारण दे, मेरे पुत्र गल कर दे भाई, बाद में मैं खत्म करा उधर बात कर ले। वे सरदार जी, इसलिए कोई हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, और सतर्क करना है, देश को मजबूत करना है। चीन पास में है, पाकिस्तान पास में, हमारी पूरा सहयोग, जो हमारी फौजी है हमारे बॉर्डर पर, हम उनकी सराहना करते हैं। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस है, आर्मी है, उनका हम पूरा समर्थन करते हैं, हम उनके साथ हैं दुश्मन के का मुकाबला करने के लिए। और मैं उन तमाम राजनीतिक दलों का जो 25-26 है, जिन्होंने बीजेपी से लेकर प्रधानमंत्री जी से लेकर शरद पवार जी से लेकर सीपीआई सीपीएम से लेकर बीएसपी समाजवादी से लेकर टीएमसी से लेकर डीएमके एआईडीएमके से लेकर तेलुगु देशम से लेकर टीआरएस से लेकर नॉर्थ ईस्ट की रीजनल पार्टी से लेकर प्रधानमंत्री जी तक, मैं उन सबका धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरी पार्लियामेंट रिटायरमेंट पर, जो बधाई आपको जाती है क्योंकि आपने मुझे चुन के दिया था, मेरे साथियों में चुन के दिया था, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं। मेरे सामने सुनो, मेरे सामने कोई 75 लीडरों के नाम है, और अगर मैं 75 लीडरों के नाम लूंगा, डिप्टी सीएम से लेकर और ताज साहब से लेकर पीरजादा सईद साहब हमारे बहुत सीनियर लीडर है, और हमारे एक्स मिनिस्टरों से लेकर एमएलसी एमएलए से लेकर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटों से लेकर पीसीसी ऑफिस बियर से लेकर, तो आधे लोग उड़ जाएंगे। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।